फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो पायो सॉरी बोलता है यहाँ पे रेन को। रेन कहता है मैं अभी तुमसे नाराज हूँ, तुम वहाँ पे इतना लाउड बोल रहे थे और ऊपर से मुझ पे हंस भी रहे थे। और वो वहाँ से जाने लगता है, उसे रोक लेता है पायो। रेन उसे कहता है अब तुम्हें क्या कहना है। पायो उसे कहता है कि जब भी तुम मुझसे मिलने आया करो तो मुझे पहले कॉल कर दिया करो, क्योंकि तुम भी बिजी रहते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वेट करते हुए अपना टाइम वेस्ट करो, और जब मैं गैराज जाया करूँगा तो तुम्हें मैसेज कर दिया करूँगा। यहाँ पे उसे कहने लगता है रेन, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो। यहाँ पर उसे कहता है पायो, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुम्हें परेशान करने में मज़े आते हैं। रेन कहता है कि तुम मुझे फिर से टीज़ करने लगे। पायो से कहता है नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी चिंता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टाइम को अच्छे से बैलेंस करो। और प्यार से उसे कहता है समझ आई मेरी बात स्टूपिड बॉय। रेन उसे कहता है कि तुमने मुझे फिर स्टूपिड बॉय बोला, तो उससे पायो कहता है तुम एक काम करो, जहाँ पर भी मैंने तुम्हें स्टूपिड बॉय बोला है उस वर्ड को रिप्लेस कर दो तुम क्यूट बॉय से। यहाँ पे इमेजिन करने लगता है रेन कि अब तक उसे हर जगह पायो ने क्यूट बॉय बोला था, अब वो यहाँ पे ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और फिर नीचे बैठ जाता है। कहता है ये तो चीटिंग हुई पायो, चीटिंग हुई, लेकिन वो यहाँ पे ये सोच के काफ़ी हैप्पी होता है, तो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी तो स्टडी कर रहे होते हैं बट रेन सो रहा होता है। स्काई उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कर रहा है, तभी हम देखते हैं रेन के पास मैसेज आता है पायो का कि गैराज में आज शाम को 7 बजे मिलेंगे। यहाँ पर उस मैसेज को देख के काफ़ी खुश हो जाता है रेन। स्काई उससे पूछता है क्या हुआ, रेन उसे कहता है कुछ नहीं और पढ़ाई में फोकस करो। वहीं हमें दिखाया जाता है पायो को जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, उसके पास रिप्लाई आता है रेन का। रेन ने मैसेज में लिखा होता है कि मैं नहीं जानना चाहता कि तुम गैराज कब पहुँचने वाले हो, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मैं तो वहाँ पर कुछ स्नैक्स देने जाने वाला हूँ पियोन को। यहाँ पे जो होता है पायो वो पियोन के पास मैसेज करता है कि आज तुम गैराज छोड़ के कहीं चले जाना अगर तुम्हें अपनी पेमेंट नहीं कटवानी है। यहाँ पे वो उसे मैसेज भी करते हैं कि बॉस आप ये क्या बोल रहे हैं। हम देखते हैं जैसे रेन की क्लास ओवर होती है वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और स्काई को बाय बोल के जाने लगता है। स्काई उसे रुकता है, कहता है हमें साथ में होमवर्क करना है। रेन उसे कहता है मैं घर पर कर लूँगा और मुझे जाने दो। वहाँ पर प्ले भी उससे बात करने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर रेन उसे भी जल्दी में बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। स्काई यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है क्या ये भूल गया है कि असल में इसका क्रश कौन है। उसके बाद हम देखते हैं रेन को पायो के ऑफिस में जहाँ पे वो अपना काम कर रहा होता है, वहाँ पे आ जाता है पायो और उसे कहता है मेरे स्नैक्स कहाँ हैं। रेन उसे कहता है मैं तुम्हें क्यों स्नैक्स देने लगा, मैं तो पियोन के लिए लाया था क्योंकि उन्होंने मेरी कार रिपेयर की थी। तो यहाँ पे पायो कहता है अच्छा तुम मुझे स्नैक्स क्यों दोगे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी कार का इंजन चेंज किया था, बैटरी सिर्फ टायर्स काफ़ी एक्सपेंसिव था ये सब कुछ, लेकिन तो यहाँ पे एकदम से उसे कुछ स्नैक्स दे देता है रेन। जब वो बैग दे रहा होता है तो पायो उसके हाथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता है, जिससे यहाँ पे रेन थोड़ा शर्माने लगता है। यहाँ पे पायो उसे काफ़ी ध्यान से देखता है। रेन उसे कहता है क्या देख रहे हो। पायो कहता है मैं तो क्यूटी को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर रेन अपने फेस को कवर भी करता है। हम देखते हैं वहाँ पर पियोन भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर पायो उसकी तरफ देखता है तो पियोन उसे कहते हैं नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ और सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे पायो काफ़ी स्माइल करता है। पायो उससे पूछता है तुम्हारे इस काम की डेडलाइन कब की है। रेन उससे पूछता है ये क्यों पूछ रहे हो। पायो उसे कहता है तुमने मुझे स्नैक्स दिए तो मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए डिनर बाय कर लेता हूँ, बट अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं मैं अकेला चला जाता हूँ। यहाँ पे उसे रुकता है रेन और कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। यहाँ पे पायो उसे कहता है ठीक है जल्दी से अपना सामान पैक करो और बाइक के पास आ जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेन फटाफट से अपना सामान पैक करता है। जब पायो बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पे उसके मैनेजर और साथ में पियोन खड़े रहते हैं और कहते हैं हम पहली बार इतना हैप्पी देख रहे हैं पायो को। लगता है वो कुछ ज़्यादा ही खुश है रेन के साथ। उसके बाद हम रात को देखते हैं लेट नाइट जहाँ पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है रेन और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बेड पे चला जाता है, बट मॉर्निंग में उसकी आंखें नहीं खुलती है। उसकी मॉम आके उसे उठाती है, कहते तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ पर उसकी मॉम के पास भी कॉल करता है स्काई रेन को उठाने के लिए। हम देखते हैं रेन पहुँचता है अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर टीचर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लेट आया था और उसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है रेन की सब प्लीज़ एक चांस दे दीजिए, बट उसके टीचर उसे बिल्कुल मना कर देते हैं चांस देने के लिए। साथ में उसे एडवाइस भी देते हैं अगर तुम ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते तो तुम रिज़ाइन कर दो, क्योंकि इस तरीके से तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं बाहर बहुत सैड होके आता है रेन। वहाँ पे प्लेयर स्काई होते हैं, पूछते क्या हुआ, सबमिट हुआ क्या तुम्हारा असाइनमेंट। रेन मना कर देता है। प्लेयर उसे कहते हैं डोंट वरी, अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो।
यहाँ पे उसे कह देता है रेन कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, और कहता है मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ सोने के लिए। बट एक्चुअली में वो आता है पायू के प्लेस के पास, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वो वहाँ पे उसके ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है, सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी ये सब कुछ देखता है साइफाई और उसके पास आ जाता है और कहता है इस तरीके से बारिश में मत भीगो और अंदर चलो। यहाँ पे उसे पूछता है रेन की क्या पायू यहाँ पर है। साइफाई उससे कहता है ये सब छोड़ो और पहले अंदर चलो। फिर दिखाया जाता है ऑफिस में पायू को, उसके पास साइफाई कॉल करता है, बताता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी घर वापस आओ क्योंकि रेन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो भी बारिश में भीगते हुए। ये सुनते ही पायू अपना सामान लेके ऑफिस से निकल जाता है। दिखाया जाता है रेन को पायू के रूम में, जहाँ पे वो असाइनमेंट जमा ना होने के कारण काफ़ी अपसेट होता है। फटाफट से पहुँचता है वहाँ पर, पायू पूछता है साइफाई से, साइफाई कहता है वो तुम्हारे रूम में है। तो पायू रूम में जाता है और रेन की तरफ देखता है, रेन काफ़ी हैरानी और सैड होकर उसे देख रहा होता है। पायू उसके सामने बैठ के उसे हग करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे रेन भी उसे रोते हुए हग करने लगता है। पायू उसे संभालता है, कहता है चुप हो जाओ गुड बॉय, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे साथ। यहाँ पे रेन रोते हुए कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा पायू कि मैं अब क्या करूँ। पायू उसे कहता है मैं हूँ तुम्हारे पास बात करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉशरूम में रेन को, जो कि थोड़ा फ्रेश अप होता है और अपने आप से बात करता है कि आज मैं कैसे बच्चों की तरह रो रहा था पायू के सामने। थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है पर साथ में खुश होता है कि पायू ने मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखा। उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो पायू को आवाज़ देता है। वो देखता है कि पायू तो उसका असाइनमेंट देख रहा है, वो पायू को उसे देखने से मना करता है। पायू उसे कहता है ये वही ड्राइंग है ना जिसे तुम कल ड्रॉ कर रहे थे, और उसे पूछता है तुम्हें इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया गया या फिर तुम्हारी डेडलाइन मिस हुई है। यहाँ पे उसे बताता है रेन कि मैंने अपनी डेडलाइन मिस कर दी थी। यहाँ पे उसे कहता है फिर पायू अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूँ तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि टीचर ने तुमसे जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पे रेन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कंफर्ट फील कराओ क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मेरी ही गलती है। यहाँ पर उसे कहता है पायू अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती के बारे में पता है, और उसे कहता है कि आज जो तुमने महसूस किया है, जो प्रेशर झेला है, ये फर्स्ट स्टेप है इस दुनिया में कदम रखने का और यही रियल वर्ल्ड है। यहाँ पर पायू उसे समझाता है कि ये तो शुरुआत है, तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, अगर तुम ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और पहली बात यह है कि डेडलाइन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और टीचर तुम्हें इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। मैं जानता हूँ अभी तुम कैसा फील कर रहे होगे क्योंकि ये सब कुछ मैंने भी फेस किया है। यहाँ पे उसे कहता है रेन क्या सच में तुमने भी, पायू कहता है हाँ। फिर यहाँ पे पायू से कहता है जाके अच्छे से अपने हेयर को ड्राई करो, मैं जाके कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर बेड पे बैठ के अपने हेयर को ड्राई करने लगता है रेन और कुछ सोच रहा होता है। तो पायू उसकी तरफ देखता है और उसके पास जाके पहले तो उसे हग करता है और उससे कहता है कि जो हो गया है उसके बारे में मत सोचो और अपने बाकी काम पर फोकस करो नॉटी बॉय, और उससे कहता है कि अच्छे से अपने हेयर को ड्राई करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू बीमार पड़ जाओ और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़े। ये बोल के वहाँ से चला जाता है पायू। उसके जाने के बाद कहने लगता है यहाँ पे रेन मुझे लगा था कि तुम मुझे कंफर्ट फील नहीं कराओगे। उसके बाद हमें एक साइड सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन जाता है, उसके बाद साइफाई कहता है पायू से कि तुम बहुत मीन हो इसके साथ। यहाँ पे पायू कहता है क्या वो चला गया, साइफाई कहता है हाँ, पायू अपने फ़ोन में बिजी रहता है तो साइफाई उसे उसका फ़ोन बोरो करता है। यहाँ पे उसके फ़ोन में कुछ देखता है साइफाई और पूछता है पायू से कि ये क्या है। तो यहाँ पे पायू कहता है ये फ़ोटो है जो कि मुझे फ्रेशर्स पार्टी डिनर से पहले दिया गया था। पायू से कहता है मुझे ऑफिस में काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे बाद में फ़ोन रिटर्न कर देना। उसके जाने के बाद साइफाई कहता है ओ तो ये पहले से ही तुम्हारी प्लानिंग थी। हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में पायू के फ़ोन में पहले से ही फ़ोटो होता है रेन का। सो यहाँ पे हमें मोमेंट दिखाया जाता है जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है पायू, तो उसके पास एक मैसेज आता है कि ये हमारे जूनियर है, उनका ये फ्रेश मैन है रेन, और यहाँ पे उसे रेन का फ़ोटो दिया जाता है। उस फोटो को देखकर याद करता है पायू कि ये तो वही पर्सन है जिसकी उस रात बारिश के दौरान मैंने कार ठीक करने में मदद की थी, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्माइल करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे फिनिश हो जाता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।